साथियों, आज मैं एक बार फिर से दीपचंद भाई साहब के पास आया हूँ। पिछला वीडियो आप लोगों ने इनका देखा था कि किस तरह से ये तुरई की खेती करते हैं, और आज एक बार फिर से आया हूँ, इनसे जानेंगे कि इस बार इन्होंने किस तरह से तुरई की है, अभी तक क्या भाव मिल रहा है, कितनी बार मंडी कर चुके हैं, और आज की मतलब इस वर्ष की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने किस भाव से शुरुआत की थी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस बार कौन सी तुरई लगाई है जी? बीज नारगी बी अनारा की है। आलोक बी अनारा की आलोक 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 कितनी है करीब करीब? ये हाँ, 1.5-2 बीघा है। 1.5-2 बीघा। कितो कितो बीज डरी को जा में? जाओ 1 किलो 600 ग्राम डर। 1 किलो 600 ग्राम का रेट को पड़ो? ये 38-3800 रुपये किलो। 38.5 रुपया किलो को। तो ये बेड पे लगाई है या सीधी लगाई रही है? बेड पे, बेड पे, बेड पे लगी है। जो जैसे बेड बनवाए आपने तो बेड के पीछे क्या दूरी रखेगी? दूरी करीब 2.5-3 फुट। 2.5-3 फुट के आसपास। और ये जैसे तुरई बुवाई कराई तो हाथ से ही करवाई होगी? हाथ से गड़ते। तो वो तुरई की तुरई थी कितनी, मतलब बीच में जो पौधा के बीच में दूरी है वो कितनी है करीब? 1 फुट। 1 फुट की। कौन से टाइम पे लगाई जी? 14 जनवरी। 14 जनवरी को। और शुरू कब है गई थी फिर जी? जी किला देवी तो लौटे 27 तारीख को टूरी। 27 मार्च को है? 27 मार्च ना? हाँ, अप्रैल पहले। हाँ, तो मतलब 1 महीना पूरा हो गया चलता हुआ आपको? हाँ, 1 महीने से आपकी तुरई चल रही है। तो शुरुआत में भाव क्या मिल गया था उस समय? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो का? हाँ। तो लेकिन वो जी है कि निकल कम रही होगी उस समय? हाँ, ऐसी निकल रही थी 60-70 किलो, 80 किलो। 60-70 किलो। अच्छा, तो जैसे महीने भर में कितनी तुड़ाई हो गई होंगी अभी? महीने भर में जी होंगी करीब 15 तुड़ाई होगी। 15 तुड़ाई हो गई होंगी, मतलब हर 2 दिन आवाज? नहीं, 1 दिन छोड़ के 30 दिन। अच्छा, 1 दिन छोड़ के 30 दिन हो जाती है। अभी इस समय पर क्या रेट चल रही है? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो, मतलब इस साल आपने 80 रुपये किलो शुरुआत की है और इस समय आपको 30 रुपये किलो का भाव मिल रहा है। आगे भाव इसका क्या नीचे डाउन जाएगा कि यही चलता रहेगा? नहीं, उतरता चढ़ता रहता है, डाउन भी हो जाएगा मौसम। अब अगर मौसम ऐसा रहे तो चढ़ भी जाएगा। अच्छा। हाँ, वो तो खेत में बाहर नहीं निकलेगा फिर। अब जैसे ये देखो बारिश हो रही है आसपास, तो अपने आगरा के आसपास हुई, आगरा में अभी तक नहीं हुई है, तो अगर बारिश बारिश हुई तो नुकसान है क्या है फसल को? इसको इससे कम लगेगी, इसमें बेल ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये कारण दूसरा बेल। हाँ, मौसम के हिसाब से ही बेल है। अच्छा, ये मतलब मौसम थोड़ा ठंडा रहा है इसलिए ज्यादा बढ़ गई है बेल। माल कम देगी। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर जलने बलने की समस्या भी आती है बारिश होने से? हाँ, मौसम के हिसाब से आती है। पहले रोग आगे आए थे इसमें। अच्छा, क्या रोग था? झुलसा का। तो उसके लिए फिर आपने क्या दवाई डाली? दवाई यही दवाई चलती है इसकी, कम मात्रा में चलती दवाई, ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो ज्यादा बिल खराब हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो झुलसा की आपने दवाई डाली थी। अच्छा, जैसे आपने जनवरी से लगाई है और जनवरी से अब तक की अगर इसकी बात करें तो इसमें खर्चा कितना आ गया, मतलब बीज का, दवाई दूरी का, पानी का, बेड वेड बनवाने का खर्चा अभी तक करीब कितना होगा, हुआ होगा आपका? करीब इसका खर्चा आ गया 25-30-25 हजार रुपए का। 25 हजार रुपए का। कब तक अभी ये चलेगी आपकी? मेहनत छोड़ के। मेहनत तो भाई अलग चीज हो गई, अब घर वाले हो, मेहनत जोड़ोगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा उस हिसाब से। तो अब जैसे ये कब तक चलती है, चलाओ इस तुरई को आप? ये जी चलेगी सितंबर तक चल जाए तो, और पहले भी खत्म हो जाएगी, मतलब अगस्त तक तो चली जाएगी। हाँ, अगस्त तक चल जाएगी। तो अगस्त तक की बात करें तो और करीब कितना खर्चा हो जाएगा इसमें? अब तो ना के बराबर खर्चा है। अब ना के बराबर खर्चा है, मतलब अगर एक पूरी फसल का ये दवाई वगैरह लगती तो ज्यादा खर्चा आएगा, दवाई नहीं लगेगी तो कम खर्चा। अब जैसे बात करें तो ये 1.5-2 बीघा आप बता रहे हो, तो इसमें करीब पूरी साल का 40-50 हजार रुपए खर्चा आ जाएगा साल? हाँ, नहीं इतना नहीं यार, कितना? 30-30 हजार रुपए का? हाँ, 5 हजार और लग जाएंगे। 30 हजार रुपए का खर्चा आपका ये इसमें हो जाएगा।
आप जैसे इस समय आप तुड़ाई कर रहे हो तो पूरा खेत तो टूटता नहीं हुआ एक दिन? डेली ले जाते, डेली नहीं डेली तो ले जा रहे, तो पूरे खेत की तुड़ाई थोड़ा कर पाते हो? आधी 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 की। तो एक दिन में कितनी तुड़ाई तोड़ रहे हो इस समय आप? निकल जाती है कई दिन, एक क्विंटल 20 किलो निकल जाती है, कई दिन 80 किलो निकलती है, कई दिन 60 किलो निकलती है। अगर तो एक क्विंटल भी निकल आए तो मतलब 3-3.5 हजार की मंडी रोज की हो रही है आज के भाव से? आज के भाव से 3-3.5 हजार की मंडी आपकी हो जाती है? हो जाती है, मतलब जो आपकी लागत लगी है वो तो निकल ही चुकी है आपकी कुल मिला के? हाँ वो तो निकल चुकी। अब आगे की बात करें तो अभी एक तरह से प्रॉफिट होगा आगे का? हाँ भाई, महीने भर से चल रही है तो कभी कभी लागत तो निकल गई हिसाब से आपकी? हाँ अब आगे का ये प्रॉफिट रहेगा तो आगे भाव कम से कम कितना मतलब गिरेगा अगर नीचे तो कितना नीचे चला जाता है? ये इसका भाव तो दो ये बिकता 4 रुपए किलो भी आ जाए, 2 रुपए भी आ जाए। अच्छा हाँ इतना नीचे आ जाएगा? आ जाता है। हाँ 4 रुपए किलो बिकी है पिछले साल। किस समय पे? इस समय पे 4 रुपए किलो। हाँ जो अभी मान लो 30 रुपए किलो का भाव चल रहा है। हाँ इस साल ऐसा कुछ लग रहा है कि भाव इतना नीचे जाएगा? 20 रुपए किलो, 15-16 रुपए किलो से नीचे नहीं जाएगा शायद अंदाजा से। इस साल 15-16 से नीचे नहीं जाएगा। जो थोड़ा गिरता है तो ना माल भी कम हो जाता है मौसम के चक्कर में, माल कम हो जाता है तो भाव बढ़ जाता है। अब ये तो है नहीं, हर किसान की कम निकलेगी तो मौसम के कारण है। सही है, मौसम का सर पड़ता है, पड़ता है बहुत फर्क। मौसम के ही अब जब पानी पड़ रहा है इससे लगाव कम हो जाएगा। ये पानी पड़ने से मतलब फराव लगाव जो रहेगा वो कम हो जाएगा। दवाई भी छिड़क रहे हैं इसमें, अब छिड़के का मौसम देख रहे हैं, अब जो मौसम खराब है तो नहीं छिड़क पाएंगे, इसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा जैसे ये बताओ, जैसे रोग की बात करें इसमें तो रोग क्या क्या समस्या रहती है इसमें? बेल पजरने की और ज्यादातर गला तोड़ी में आ जाता है, ये दिखाया मैंने बाल, ये तोड़ी है फरफूंदा आ जाता है। अच्छा तो वो किस वजह से आता है? ये मच्छर की वजह से आता है। मच्छर की वजह से? हाँ कई दवाई लगा दो मच्छर मर रहा ही नहीं इस साल। मच्छर नहीं मर रहा है? मच्छर इसलिए नहीं मर रहा ना मौसम ठंडा है ना इस साल। मौसम में गर्मी है नहीं है। हाँ मच्छर मरता ही नहीं है, एक आध दो दिन मौसम गर्म रहता है, दवाई डाल के देख ली। मच्छर की वजह से ये आती है? मच्छर जैसे मौसम ठंडे मौसम में या फिर ज्यादा पानी वानी लगा देते हो उस वजह से बनता होगा? नहीं पानी से नहीं, तपनता पर पानी तो लगाना पड़ेगा इसमें। तो मच्छर बनने की वजह क्या रहती है, किस वजह से ज्यादा? अभी मौसम में लू चले तो कम लगे, लू नहीं है इस बार, और लू चलेगी तो तोरी ज्यादा लगेगी। अच्छा ये भी है, मौसम ठंडा रहेगा तोरी कम लगेगी, मतलब मौसम गर्म नहीं है इस वजह से पैदावार भी कम है इस साल। अब टोरवे को तो ये आज चौथे दिन की तोड़ रहे हैं, डेली ना टोरी और पैसा डेली टूटती, मांगना ना कर रहा है मौसम के चक्कर में। ज्यादातर डिमांड कैसे साइज की रहती है मंडी में? इस साइज की ज्यादा डिमांड रहती है मंडी में, इससे बड़ा हो जाए तो फिर नहीं भाव नहीं मिलता होगा। चलो टोल नहीं था।